गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सुबह हमारी यहाँ से हुई है नाले के किनारे से। ये पवन मेरे साथ है। तो अभी हम लोग जंगल से जस्ट घूम के आए हैं। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि भारी मात्रा में बारिश हो रही थी। अभी यहाँ से नाले से इतना पानी जा रहा है, देखिए बहुत सारा जा रहा है ये बहता हुआ। तो अभी मैं जस्ट यहाँ आया हुआ था तो मैंने सोचा यहाँ का जायज़ा ले लिया जाए। पानी तो बहुत सारा जा रहा है और पूरा कचरा बह के यहाँ इकट्ठा हो चुका है। इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी गया है और एक सामने पेड़ भी नाले में बह गया है। किनारे में पेड़ है, इसकी मिट्टी बह गई है। तो ये भी आने वाले साल में हो सकता है कि टूट के मिट्टी कटाव से बह जाए, तो ऐसा हो सकता है। लोग आ चुके हैं नाले के किनारे में। ये देखिए नाला है और ये हमारा जंगल एरिया लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से घूमते हुए जा रहे थे पवन के साथ। पवन को मैंने कैमरा दे दिया हूँ। तो मैं बहुत दिन से आप लोग से एक चर्चा करना चाह रहा था। चर्चा ये थी कि अभी कॉलेज गार्ड की वैकेंसी आने वाली है, तो मेरे जो दोस्त भाई है उन लोग बढ़िया से तैयारी करिए, बहुत बढ़िया पढ़ाई करिए और मेरे जैसे वीडियो बनाइए, कॉलेज का नाम रोशन करिए। यही मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ। किसी से ज़्यादा सजेशन मत मांगिए। 10 लोग से पूछेंगे आप 10 तरह के जवाब मिलेंगे आपको। इसलिए खुद की दम पे पढ़ाई करिए, खुद बनिए और खुद नया रिकॉर्ड कायम करिए ताकि आपको आपको दूसरे लोग देख के इंस्पायर हो सके। तो ज़्यादा लोगों से सजेशन कभी मत मांगिए कि सर मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और अपने लेवल पर पढ़ाई करिए, जितना हो सके उतनी पढ़ाई करिए। खुद के दम पर कुछ बन के दिखाइए। दूसरों के गाइड करने पे, दूसरों की नोट्स मांगने में ऐसा कुछ नहीं होता। खुद के दम पे पढ़ाई करिए। हाँ, ऑनलाइन आप लोग स्टडी कर सकते हैं लेकिन हर किसी से सजेशन, मेरा कहना यही है लास्ट में कि हर किसी से सजेशन मत मांगिए, अपने दम पे पढ़ाई करिए। मेरे नौजवान युवा साथियों, मेरी एज के जो भी है उन लोगों के लिए खास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये नाले के किनारे इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये फॉरेस्ट का एरिया है हमारा, आप लोगों को नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लगता होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई करिए तो खुद के दम पे करिए, किसी और के दम पे बिल्कुल मत करिए। कि पढ़ाई आपकी है, रिजल्ट आपका है, वैकेंसियाँ नवंबर तक आई जाएगी, वैकेंसियों की चिंता बिल्कुल मत करिए। इस बार 4000 पद गारंटी से आना है। लिख के देने को मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं लिखित में कोई बात नहीं करना चाहता, मौखिक में कर देता हूँ। तो पढ़ाई तो आप लोग बिल्कुल इस तरह की रखिए कि क्या पेपर आए तो मतलब निकल ही जाए। इस तरह की तैयारी होना चाहिए हर किसी बंदे की। इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि बांस का पेड़ बह के आ गया है। वहाँ नाले से तेज पानी आया होगा तो यहाँ अवचक गया है। हमको सुरक्षा श्रमिकों से इसको हटवाना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार नाला आके चेक करता रहता हूँ। ये एक डूंडा भी यहाँ पे घूस गया है, करवाना पड़ेगा। और कहता हूँ मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हैं ये हमारी बाइक है और जाएंगे।